हाय गाइस, कैसे हम सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज को मेरे आयुष जोशी और बेंचर्स आईक्यू की पूरी टीम के साथ में। हमारी टीम के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, चाहे आप मैथ्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए या अदर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ले लीजिए, आप सारे ही एजुकेशनल वीडियोस को हमारे सजेस्टेड लिंक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर और आपको मैक्सिमम लेवल पे एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा वो। ठीक है, आपको बताया कि मैं आपके साथ में इकोनॉमिक्स की सीरीज एज वेल एज पॉलिटिक्स की सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बेसिकली इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, इट इज ऑल अबाउट GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे क्वेश्चन बनने के चांस हैं और अब तक बनता भी आया है। पिछले कई सारे एग्जाम्स के अंदर GST पे क्वेश्चन देखा गया है, बिकॉज 2014 के अंदर नया GST को अभी लॉन्च किया गया, एक टैक्स सिस्टम लॉन्च किया गया। बेसिकली है क्या ये, देखिए इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो टोटली डिवाइडेड था अभी से 2014 से पहले, GST से पहले इंडिया के टैक्स सिस्टम का क्या रोल था, बेसिकली वेट एक्साइज ये वो बहुत सारे टैक्सेशन जो है टैक्स सिस्टम जो ऐड किए गए थे पूरे टैक्सेशन इंडिया टैक्सेशन सिस्टम में। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को समझना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था 2014 से पहले। बहुत सारे टैक्सेस सेंटर लेवल पे अलग हुआ करते थे, स्टेट लेवल पे अलग हुआ करते थे, तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इतने सारे टैक्सेस जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और मटेरियल्स को इतना एक्सपेंसिव बना देते हैं वो इतने सारे टैक्सेस को मिलाने के बाद में, कि अल्टीमेटली अप्रोच करते करते मटेरियल मार्केट तक पहुँचते पहुँचते उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार ने डिसाइड किया क्यों ना एक नया सिस्टम लॉन्च किया जाए, एक नया टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च किया जाए जो कि सब्ज्यूम करके सारे ही टैक्सेस, स्टेट और सेंट्रल लेवल के टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक नया टैक्स सिस्टम लॉन्च किया गया। और ये सिस्टम था GST का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। व्हाट इट इज़ बेसिकली GST सिस्टम है क्या, तो मैं एक जस्ट ओवरव्यू बताती हूँ, फिर हम चलेंगे डिटेल स्टडी के ऊपर। बेसिकली जितने भी टैक्सेस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, देखिए मैं आपसे ये कहती हूँ एक सिंपल सी चीज़, पहले मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। मैंने आपसे कहा आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ठीक है आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, आप बिल बना दीजिए और डिस्पैच करवा दीजिए, मेरे पास में पहुँचा दीजिए, मैं बैठी हूँ यूपी में और आप बैठे हैं राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान से आपने वो मटेरियल रवाना किया, पहले तो आपने उस मटेरियल को रवाना करके अपने स्टेट के अंदर 50 तरह के टैक्स भरे, जिसके अंदर आपने हम कह सकते हैं वेट भी इंक्लूडेड होता, कई सारे टैक्सेस होते हैं जिन टैक्सेस को आपने दिया। उसके बाद में फाइनली जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करेगा राजस्थान की और यूपी बॉर्डर की तरफ आगे जाएगा, तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसे टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो जिस स्टेट से होकर निकलेगा उस स्टेट के अंदर उसे टैक्सेस देने पड़ेंगे उस स्टेट से निकलने के लिए। फिर अल्टीमेटली जहां वो पहुंच रहा है यूपी के अंदर, वहां एंटर करने के लिए टैक्स देगा, और अल्टीमेटली इतने सारे टैक्सेस से ओवरबर्डन होकर जो प्रोडक्ट 100 रुपये में यहां से रवाना हुआ है वहां जाते जाते उसकी प्राइस हो जाएगी 180 से 200 तक। तो आप उस प्रोडक्ट को भेज तो चुके हैं, अब मेरे पास आया है 200 रुपये में पड़ा, अब अल्टीमेटली आपके लिए भी वो एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, मेरे लिए भी एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। मैं जब उस प्रोडक्ट को खरीदूंगी तो उसके ऊपर भी टैक्स दे रही हूँ, फिर मैं उसको सेल कर रही हूँ तो उस पर भी टैक्स दे रही हूँ, हो गया ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा क्यों ना हम एक बहुत ईजी सा, एक बहुत सिंपल मैनर में टैक्सेशन सिस्टम को कन्वर्ट कर दें, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे जो हमारे टैक्सेशन को इतना इजी बना दे कि हमें हजारों तरह के टैक्स भी ना देने पड़े, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में ना उलझना पड़े, और जिस तरीके के फ्रॉड्स होते आए हैं टैक्सेशन के नाम पे या जिस तरह के इश्यूज या कॉम्प्लिकेशंस आज तक क्रिएट होते आए हैं टैक्स के नाम पे, वो सारे भी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल रिजॉल्व हो सके। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि GST है क्या। GST को लॉन्च किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या बेसिकली। अच्छा, टैक्सेशन सिस्टम किस पर बेस्ड होता है, पूरे इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम बेस्ड है गुड्स एंड सर्विसेज पर। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं या डिमांड और सप्लाई में उसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पर ही टैक्स लगता है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, पहले तो ये देखते हैं GST है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन GST क्या है, तो देखिए GST इज़ वन
इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट. आपने टैगलाइन सुनी होगी, वन टैक्स वन सॉरी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. एक नेशन एक टैक्स और एक मार्केट, वही सीन तो यहाँ क्रिएट हो रहा है. एक नेशन मतलब एक इंडिया, वन टैक्स मतलब वन जीएसटी, एंड वन मार्केट मतलब हमारा पूरा एक मार्केट, यूनिफाइड मार्केट. अब मैं ये पेन लेकर पेन लेने जाती हूँ, पहले मुझे इसके ऊपर ये रेट, इसकी जो रेट है वो राजस्थान में मिलेगी 12 रुपीज़ मान लीजिए, उसके अलावा अगर मैं गुजरात में जाऊँगी 15 में मिलेगी, यूपी में जाऊँगी तो 16 में मिलेगा, अगर मैं महाराष्ट्र में जाऊँगी 20 में मिलेगा. और सबका ये कहना होगा भाई हमें मंगवाते टैक्सेस देने पड़ते हैं, है ना. अब वो सिस्टम नहीं है, अब हमारा पूरा इंडिया का मार्केट एक कॉमन मार्केट हो चुका है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट जितने का है और उसके ऊपर जितना टैक्स लगना है वो डिसाइडेड है. गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब्स डिसाइड कर रखे जीएसटी के तहत, जीएसटी के तहत कुछ स्लैब्स है, उस स्लैब्स के अंदर वो प्रोडक्ट आता है. अगर कोई प्रोडक्ट जो है 14% के स्लैब में आ रहा है तो उसे उस प्रोडक्ट पे 14% ही टैक्स देना है, उससे ज़्यादा टैक्स कहीं पर भी राजस्थान इंडिया के सॉरी किसी भी कोने में चले जाओ आपको नहीं पे करना, ठीक है. तो हमारा मकसद क्या था जीएसटी को लॉन्च करने का, हमारी पूरे नेशन को एक टैक्स सिस्टम से जोड़ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट करना जो कि कई लोगों को परेशान करने वाला था, सरकार परेशान होती थी, कई चीज़ें थी जो बिल्कुल मैशअप हो गई थी. उन सारी मैश्ड अप चीज़ों को वापस से, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वापस से अपने एक रिफाइंड फॉर्म में लेकर आना और एक बिल्कुल हम कह सकते हैं डायमंड पैटर्न में अपना क्रिएट करना टैक्स सिस्टम, इस हेतु सरकार ने जीएसटी को लॉन्च किया. 2014 में लॉन्च किया गया था ये, और ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहली चीज़ कब लॉन्च किया गया, 2014 में. सेकंड चीज़, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर है. थर्ड चीज़ क्या होता है, किस तरीके का टैक्स है जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है. तो जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है. आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट जो आप खरीदने जा रहे हैं उस पर कितना टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि वो चीज़ इतने परसेंट के टैक्स स्लैब में आती है तो उतना टैक्स ही लग रहा है उस पर. जब वो चीज़ मैन्युफैक्चर होकर आप तक पहुंचेगी, उससे पहले मैन्युफैक्चर होते ही डिसाइड हो चुका है इस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स लगना है, दैट्स इट. अब आपको किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसके बाद में अब ये टैक्स सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे इंडिया के एक मार्केट को जनरेट करता है. जो अलग अलग मार्केट्स बटे हुए थे, अभी मैंने आपको बताया, एक मार्केट में जाएंगे तो अलग प्राइस, दूसरे में जाएंगे तो अलग प्राइस, तीसरा कहेगा हमने वहाँ से मंगवाया, टैक्सेस लगते हैं भाई. तो अल्टीमेटली पूरे मार्केट को एक यूनिफाइड मार्केट के तौर पर क्रिएट करने का काम कौन करता है, जीएसटी करता है, ठीक है. अब इसके फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड मार्केट है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट करता है. एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जो पूरी तरीके से डेस्टिनेशन पर बेस्ड है कि हमें क्या करना है, गोल्स क्या है, इस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट लगने चाहिए, इस प्रोडक्ट पे कितने लगने चाहिए. अल्टीमेटली हमारा इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू इंडिया की रेवेन्यू जनरेट जो हो रही है उसका क्या टारगेट होना चाहिए जीएसटी के बेसिस पे, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वें कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रावधान के तहत ऐड किया गया है या किस संविधान संशोधन के आधार पर सम्मिलित किया गया है. तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है. उसके बाद में ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि वन नेशन वन मार्केट एंड इवन सॉरी वन टैक्स एंड इवन वन मार्केट की थ्योरी को जनरेट करता है. उसके बाद में ये एक सिंगल टैक्स सप्लाई है जो कि मैन्युफैक्चरर से लगा करके कंज्यूमर तक एक ही रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा. एक इस तरीके का सिंगल टैक्स लगेगा उसके ऊपर कि उस टैक्स के ऊपर इसको भी पड़ेगा, उस टैक्स पे उसको भी पड़ेगा, और इनके बीच में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे मार्केटिंग के बंदे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वेंडर्स हैं, चाहे कोई भी है ना एक्स वाई जेड, उन सभी को, सप्लायर्स वेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी लोगों को उस एक सिंगल टैक्स सिस्टम के तहत वो सिंगल टैक्स में सप्लाई होगा, क्लियर है. मान लीजिए मार्कर है, इस मार्केट की रेट है मान लीजिए 20 रुपीज़, इस पर लगा 10 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ टैक्स लगा है. तो ये मैन्युफैक्चरर से टैक्स शुरू हुआ है, इस पर 10% ही लगेगा, मतलब 2 रुपीज़ ही लगेगा,
ये जब मार्केट में अवेलेबल होगा दुकान पे, तो ये आपको 22 में ही पड़ेगा। ये अल्टीमेटली आपको कितने में पड़ेगा, 22 में ही पड़ेगा। इस पर जो टैक्स है वो किसी भी लेवल पे टच नहीं किया जाएगा, एक सिंगल टैक्स सप्लाई के बेसिस पर सप्लाई किया जाएगा मैन्युफैक्चरर से लगा के कंज्यूमर तक, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करता है, वैल्यू एडिशन करता है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन का काम करता है, टैक्स सिस्टम में वैल्यू एडिशन का काम करता है। आपको पता है इंडिया का टैक्स सिस्टम टोटली इंडिया की रेवेन्यू जो है वो टोटली बेस्ड है, या इंडिया का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो टोटली बेस्ड है टैक्स रेवेन्यू पर। टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स से जिस तरीके का हमारा फंड्स जनरेट होते हैं, उसी के बेसिस पर हमारा देश चलता है। तो उसके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम कौन करता है, जीएसटी करता है। इसके अलावा फाइनल कंज्यूमर विल पे ओनली दिस पार्ट ऑफ द टैक्स एंड ओनली नॉट द एंटायर सप्लाई चेन। मैंने अभी आपको बताया, आपको जो पहले अपनी फैक्ट्री से निकाल के सामने वाला जो आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, इसको लेने जा रहे हैं 20 रुपीज का है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भाई 30 में पड़ेगा। आपने पूछा क्यों, तो पता चला भाई मैन्युफैक्चरर से लगा करके ये मार्केट में शॉप तक, रिटेलर तक पहुंचने तक के जितने भी टैक्स लगे हैं वो आपको पे करने हैं। अगर आपसे ऐसा कहा जाए तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे टैक्सेस मैं क्यों भरूं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा आश्चर्य होगा आपको जानकर, 2014 से पहले हम ये चीज़ कर रहे थे। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते थे हम उसका पे खुद करते थे, और उसका पूरा जो सप्लाई चेन चल रहा है, उस पूरे सप्लाई चेन के अंदर जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं वो सब हम पे करते थे। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है, अब हमें एक ही तरीके का, फाइनल कंज्यूमर को सिर्फ एक तरीके का टैक्स पे करना होगा, वो है जीएसटी। वो जितने परसेंट है बस उतना परसेंट पे करना है। आपको पूरे सप्लाई चेन के अंदर जो भी जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, वो सब आपको फिल करने की, पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब मैं आपको बता देती हूँ, जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए, इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए जीएसटी से रिलेटेड अगर, तो उससे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, जीएसटी का अपना एक पूरा काउंसिल बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल, जो पूरे जीएसटी सिस्टम टैक्सेशन मेथड को जनरेट करेगा, कैलकुलेट करेगा। कोई इशू है तो उसके रिगार्डिंग उस इशू को सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाएगी। अल्टीमेटली वी कैन से जीएसटी सिस्टम जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इतना ही नहीं, ये वन मार्केट वन नेशन और वन टैक्स की अवधारणा को प्रतिपादित करता है, और ये मैन्युफैक्चरर से लगा करके कंज्यूमर तक की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर सिंगल टैक्स सिस्टम को इंपोर्ट करता है, जिससे कि उसे एक पूरे चेन, जो सप्लाई चेन चल रही थी उसके जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, वो सारे टैक्सेस ना पे करके सिर्फ एक सिंगल टाइप का टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारे प्रोविजंस जो कि इस टैक्स सिस्टम के अंदर आते हैं वो किसके तहत देखे जाते हैं, किसके द्वारा देखे जाते हैं, जीएसटी काउंसिल के थ्रू। क्लियर हो गया आपको, सारी चीज़ें समझ में आ गई, और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने जरूरी है। यूनिफाइड कॉमन मार्केट की अवधारणा किस प्रायोजन के तहत दी गई है, ये क्वेश्चन आता है। यूनिफाइड कॉमन मार्केट इज द आइडेंटिटी और इज द आई कैन से प्रोविजन अंडर विच एक्ट और अंडर विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट, देन इट विल बी द आंसर दैट इट इज द टाइप ऑफ और इट इज द पार्ट ऑफ जीएसटी, that is goods and service tax, tax system or taxation system, okay. Now it was introduced in 2014 or established by 2014 under 101st constitutional amendment act. The motive or the tagline of this particular council or GST is what it is, one nation, one tax, one market, in which we will work towards the unified common market, okay. Now what is the formation of the, what is the type of this tax, what the type of this tax, this tax is basically based on single tax supply. Now the manufacturer to consumer you have to pay only a single tax, okay, and you don't have to go through any supply chain of taxation, you just need to pay a single tax with the value addition of GST. Now for GST we have to go through the provision or the council or the particular department which look after the whole GST system is basically GST council. The provision of GST council is also here for us so that we can take any type of decision. It can be simple for us to go through the GST system, okay. Is par based hai ye, hamare liye ek provision diya gaya hai
जीएसटी काउंसिल का, इट मींस जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें कोई डिसीजन लेने के लिए, इसमें किसी तरीके का कोई प्रोविजन ऐड करना है, किसी तरीके के कोई भी अमेंडमेंट्स करने हैं, तो ये सारा सिस्टम कौन देखता है? जीएसटी काउंसिल देखता है। पूरा एक काउंसिल बनाया गया है जो इन सारे सिस्टम को इवेल्युएट करता है, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स करता है और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें करता है। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली जीएसटी स्लैब्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे टैक्सेस थे सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, कौन कौन से टैक्सेस थे जिसे सब्ज्यूम करके और अल्टीमेटली जीएसटी को लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम। तो कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सब्ज्यूम कर दिए हैं? किसने? जीएसटी ने। कौन कौन से टैक्सेस हैं स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो वेट, ऑक्ट्रोई, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, अदर लग्जरी टैक्सेस या लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं ये सारे टैक्सेस जो है वो सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। उसके अलावा सेंट्रल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, इस तरीके के टैक्सेस को क्या कर दिया गया है? सब्ज्यूम करके अल्टीमेटली हमने जीएसटी को लॉन्च कर दिया है। और जीएसटी टचवुड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, और आई कैन से कि ये टैक्सेशन सिस्टम जो है ये हमारे इकोनॉमी के अंदर एक नया चेंज लेकर आया है और उम्मीद करते हैं आगे भी लेकर आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्या सिस्टम है, किस तरीके से इसे, इस टैक्स को कैसे फिल किया जाता है या क्या क्या सिस्टम होते हैं, कैसे इस इन टैक्सेस को लगाया जाता है प्रोडक्ट पे, और क्या क्या स्लैब्स बनाए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जो अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे अब उनको किस तरीके से फ्रेम किया गया है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। आप हर वीडियो को देखिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।